अपने राजदूत के माध्यम से भारत सरकार और भारत के सर्वोच्च न्यायालय को धोखा दिया है, झूठ बोला है। भारत में इटली के राजदूत को कोई भी राजनयिक सुरक्षा दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार को इटली के इस राजदूत के विरुद्ध भारत के कानून के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि उस राजदूत ने अपने देश की सरकार के हस्ताक्षर से भारत के सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने सरकार की मिलीभगत और साजिश की को बेनकाब करते हुए इटली के इस रवैये की धज्जियां उड़ाते हुए कहा है कि इटली को कोई भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलने का अधिकार नहीं है और पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। हम समझते हैं कि राजदूत ने जिस प्रकार का धोखाधड़ी और विश्वासघात और झूठ का रवैया हिंदुस्तान के खिलाफ अपनाया है, उसे देखते हुए उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। गिरफ्तारी भी अगर कानून के अंतर्गत संभव है तो उससे नहीं हिचकना चाहिए।